राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जानी मानी एक्टर डायरेक्टर नंदिता दास। अनाज लेगी कि पीसा? पीसा। एले, 9 रुपए। 9 रुपए? कहीं हिसाब सु? सरकारी हिसाब सु। 3 गज भरायरा कितना होवे? 11 रुपए या 3 किलो अनाज। अरे कहीं कर रही है? पूरी 3 गजरी है। इसु नाप के बता। अरे अरे बंद कर, तमाशा बंद कर। एले, 9 रुपए पकड़। अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली नंदिता दास उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जो संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी अलग और असरदार राय रखती हैं। फायर, अर्थ, 1084 की माँ और बवंडर सहित कोई 38 फिल्मों में अपनी अदाकारी की अमिट छाप छोड़ने वाली नंदिता दास चित्रकार जतिन दास और लेखिका वर्षा दास की बेटी है। एक बेहतर समाज की सुरुचि से अलग नहीं है उनकी सुरुचिपूर्ण जीवन शैली। उनके चाहने वालों की नजरें इस बात से कभी नहीं चूकती कि उन्होंने साड़ी कैसी पहन रखी है, और उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि वो कानों पर टिकी जुल्फें तो जरा हटाएं ताकि उनके इयररिंग्स दिख जाएं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजी जा चुकी नंदिता दास ग्लैमर और रैट रेस से अलग हमेशा कुछ हट कर करना चाहती है। हर पल नया और असरदार करने की मिसाल है उनकी बनाई पहली फिल्म फिराक, जो सांप्रदायिकता की भयावहता को सामने लाती है। तुम समीर अरशद शेख हो और ये बात कहीं बदलने वाली नहीं है। मेरा नाम मोहन है, हुसैन है। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमें बताइए कि फिल्मों में एक कामयाब करियर गुजारते हुए आप फिल्मों की तरफ क्यों नहीं भागती, जो मेन स्ट्रीम फिल्में हैं उसकी तरफ क्यों नहीं भागती, और सिर्फ फिल्में 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 करते हुए आगे बढ़ने का क्यों नहीं सोचती, जबकि हमें मालूम है कि आप ऐसा बहुत कुछ करती हैं जो आपके प्राइमरली फिल्मी करियर से अलग है, उसकी क्या वजह है, उसका एक स्केची हमको एक ब्यौरा हमें बताइए। देखिए, पहली बात तो आपके सवाल में जो वर्ड कामयाब था वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत कुछ कर पाती अगर फिल्म में कॉन्सेंट्रेट करती या बॉम्बे अगर आ जाती, तो वो समझते हैं कि मैं बिल्कुल ही नाकामयाब रही हूँ। कुछ लोग समझते हैं कामयाब है, तो ये मैंने कभी फिल्म को एक करियर के हिसाब से देखा नहीं है, इसीलिए कोई सक्सेसफुल होने की कभी उस तरह की एम्बिशन नहीं रही है। फिल्म को हमेशा एक ज़रिया ज़्यादा समझा है, एक इंटरेस्ट समझा है कि हाँ एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है काम करने का, कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कहानियों का हिस्सा बन पाते हैं, उसके ज़रिए कई चीज़ें कह पाते हैं जो आपको भी तकलीफ़ देती हैं। तो मेरा क्योंकि बैकग्राउंड एक्चुअली सोशल वर्क का था और उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व थी, वुमेन इश्यूज़ पे, बच्चों के इश्यूज़ पे, इश्यूज़ ऑफ वायलेंस, पीस, जो चीज़ें हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो उसके बाद जब मैं फिल्म में आई, जायज़ है कि वो चीज़ें जो मेरा बैकग्राउंड था या जो एक्सपीरियंसेस थे उसका इम्पैक्ट इन चॉइसेस पे भी पड़ा। तो जब मैंने फिल्में शुरू भी की, फायर मेरी पहली फिल्म थी, तब तो पता भी नहीं था कि कोई सेकेंड फिल्म भी होगी। उसके बाद 1947 अर्थ, और फिर मैं रीजनल सिनेमा भी करने लगी क्योंकि वहाँ देखा ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, लोग कम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अब मैंने करीब 30-35 फिल्में की हैं और उसमें कभी भी मुझे उस तरह से नहीं लगा कि मैं अगर यही करूं तो मैं ज़्यादा खुश रहूं, क्योंकि एक्टिंग मेरी ज़िंदगी का एक्चुअली बहुत छोटा हिस्सा है। और जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया एक्टर डायरेक्टर, मैं हमेशा हिचकिचाती हूँ जब ऑक्यूपेशन में कुछ लिखना होता है, क्योंकि सभी चीज़ें एक तरह से मेरे लिए इंटरेस्ट हैं, सभी चीज़ें अलग अलग स्ट्रीम्स लगती हैं लेकिन उसी मकसद पे पहुंचती हैं, और वो मकसद यही है कि कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश है। जो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं उनको किस तरह से हम जाहिर कर सकें, किस तरह से उनको और लोगों तक पहुंचा सकें, तो उसी तरह से एक्टिंग उनमें से एक हिस्सा है। तो कभी मैंने सोचा ही नहीं कि इसी एक चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो आई थिंक मन का कर पाना अपने आप में सबसे बड़ी फ्रीडम है। यही पर ये जानना दिलचस्प है कि वो क्या वजह है कि आप कामयाबी को दूसरी तरह से देखती हैं, तकलीफ़ें कहीं कुछ और मौजूद हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाता है, और आप सिर्फ फिल्मों को फिल्मों के लिए ही नहीं करना चाहती बल्कि फिल्मों को करते हुए उसे एक ज़रिया बनाकर कुछ और करना चाहती हैं। तो ये जो 2-3 कीवर्ड्स हैं, अगर देखें, कुछ और करना चाहती हैं, कहीं कोई बेचैनी है, कहीं कोई सोशल इशूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, इनके बीज कहाँ हैं, वो कैसे नंदिता दास वैसी बन गई कि
मुंबई में या रीजनल सिनेमा में या यहाँ तक के विदेश तक अपनी फिल्में और एक शोहरत पाने के बाद भी कोई एक चीज़ है जो उन्हें रेस्टलेस रखती है, तो उसके बीज कहाँ हैं? उसके बीज शायद बचपन में ही हैं, जिस तरह की परवरिश हुई, एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि दोनों मेरे माँ बाप, मेरे फादर आर्टिस्ट हैं, मदर राइटर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसी कई चीज़ें की हैं जो जनरली एक इस दुनिया को बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश है। तो हमेशा उनको इंगेज देखा, एक सोशल कॉन्शियसनेस के साथ काम करते देखा, कभी पैसे के लिए काम करना, दोनों में वो चीज़ कभी नहीं पाई। बल्कि हम जब छोटे थे तो ये जो हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा ही नहीं था, चाहे मनी की बात हो, चाहे सक्सेस जैसा वर्ड हो, इस तरह के शब्द हमारी नॉर्मल आम जिंदगी में कभी बोले ही नहीं जाते थे। तो मेरे ख्याल से उस तरह की परवरिश पहला बीज था। दूसरा था कॉलेज में, जैसे ही मैं आई, फर्स्ट ईयर मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तभी सफदर हाशमी के साथ एक ग्रुप था जननाट्य मंच, जो अभी भी करते हैं वो लोग नुक्कड़ नाटक, उनके साथ जब मैं जुड़ गई तो एक तरह से मेरी सोशियो पोलिटिकल ट्रेनिंग समझिए, क्योंकि ये नाटक हम बस्तियों में ले जाते थे, हम वर्कर्स राइट्स पे करते थे तो फैक्ट्रीज में ले जाते थे, स्लम्स में ले जाते थे, तो इस तरह के जो एक्सपोजर्स हुए कि अच्छा अलग दूसरी भी असलियतें हैं, दूसरी भी रियलिटीज़ हैं, सिर्फ मेरी जो एक सेफ ज़िंदगी है या हम जितने प्रिविलेज्ड हैं यही एक दुनिया नहीं है, क्योंकि एक ही भारत में, एक ही शहर में कई और छोटे छोटे उसी, मतलब कई दिल्लियाँ इस दिल्ली में हैं या कई भारत इस देश में है। तो वो जब देखने का एक मौका मिला तो लगा कि हमारे कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को तकलीफ़ देती हैं, जो एक गैप हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी और कई जिंदगियों में। उसके बाद जब मैंने अपना एम ए इन सोशल वर्क किया, मुझे नहीं लगता कोई डिग्री आपको बेटर या वर्स सोशल वर्कर बनाती है, लेकिन वो अगेन वो एक दो साल का जो कोर्स था उसमें फील्ड वर्क बहुत था, तो डायरेक्टली बस्तियों में जाके काम करना, लोगों के साथ काम करना और इन इश्यूज़ पे काम करना, वो सब धीरे धीरे उस बीज में थोड़ा सा पानी डलता है, थोड़ी सी धूप मिलती है, थोड़ा सा खाद डलता है और इसी तरह से आई थिंक एक सोच अपने आप बनने लगती है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का काम कैसे किया जाए। नंदिता जी, आपने कहा कि जो आपका सोशल वर्क वाला, चूँकि सब्जेक्ट आपका वो था और जिसमें फील्ड वर्क वगैरह में करते हुए, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप उसे सिर्फ पढ़ाई की तरह करती हैं और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को ना छूती। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि पढ़ाई अपनी जगह पर होती है और ज़िंदगी ख़त्म किया, हाँ, और वो जो तकलीफ़ें या जो एक ही दिल्ली के अंदर कई दिल्लियाँ मौजूद हैं उनकी तरफ आप मुँह फेर कर भी गुजर सकते हैं। नंदिता दास ऐसा क्यों नहीं कर पाती, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। एक बात तो आपने कही कि आपके पिता एक संवेदनशील चित्रकार हैं, आपकी माँ एक लेखिका हैं, लेकिन इससे भी शायद नहीं हो जाता। ऐसे अनेक चित्रकारों और लेखक पेरेंट्स के बच्चे मुंह फेर लेते हैं। नहीं, मेरा मानना है कोई एक चीज़ नहीं होती। अगर आप पूछें कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो एक टर्निंग पॉइंट, ऐसी कोई एक चीज़ नहीं होती, हज़ारों चीज़ें, कई ऐसे लोग हैं, कई चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, कई कुछ फिल्म देखी, कई चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हमें अपना जो भी हमारा एक काम है, जो भी हम जिस मकसद से हम आए हैं या जो हमारा ज़िंदगी का मकसद है, उतना हमें ज़रूर पूरी तरह से करना चाहिए। वो एक बूंद सागर में हमें ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर हर बूंद सोचे कि भाई मेरे करने से क्या फ़ायदा है, तो फिर सागर तो खाली हो जाएगा। हाँ, तो सागर में जो ये एक बूंद डालने का सिलसिला है, इस बातचीत को अभी आगे बढ़ाएंगे, अभी एक ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जानी मानी एक्टर डायरेक्टर नंदिता दास के साथ। वो एक अलग दुनिया है, एक अलग जिंदगी है, और वो भी एक जिंदगी है और उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी या उसको बुरा या अच्छा इस तरह की बात नहीं है। अपने ढंग से मुझे जिंदगी जीनी है और वो जीने की मुझे फ्रीडम है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में, आप हैं आज नंदिता दास के साथ। नंदिता जी, आपने कहा कि जननाट्य मंच के साथ नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हुए एक वो शुरुआती दिन थे, और धीरे धीरे किन हालात में आप मुंबई पहुंची, उसका एक स्केची ब्यौरा दीजिए और हमें ये बताइए कि मुंबई पहुंचकर आपने अपने ही पेशे से जुड़ी हुई औरतों को जब काम करते हुए देखा और उनके मानसिक स्तर को देखा, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? मैंने दिल के रीजंस की वजह से, मतलब आप समझ लीजिए, बॉम्बे में गई, मैं सुबोध से मिली और सुबोध बॉम्बे में रहते हैं, तो इस वजह से मैंने शिफ्ट किया। और जबकि मैं 15 साल तक कहती थी मैं कभी बॉम्बे नहीं जाऊंगी, पर यू नो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं नेवर से नेवर,
तो उस तरह की सारी चीजें की। जबकि बॉम्बे में आप पैदा हुई। जी, तब भी बॉम्बे में पैदा हुई, 6 महीने की थी तब से दिल्ली में थी, और अभी 4 साल पहले और उसी इलाके में गई बॉम्बे में। इत्तेफाक की ये बात है, वर्ली में मैं पैदा हुई थी और वर्ली में ही वापस रह रही हूँ। तो हाँ, जिंदगी के अपने अपने प्लान्स होते हैं। जब मैं औरतों को वहाँ देखती हूँ, अब तो खैर कई ज़्यादा औरतें आ गई हैं इंडस्ट्री में, अलग अलग काम कर रही हैं। इनफैक्ट जो मेरी नेक्स्ट फिल्म जो मैं करने जा रही हूँ, एक स्पेनिश फिल्म है और उसमें ऑल वुमेन क्रू है। तो दुनिया में, देश में बदलाव ज़रूर आ रहा है, लेकिन लार्जली ये एक पेट्रियार्कल समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, और ये इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही मेल डोमिनेटेड है। ऐसे काम भी जो ज़्यादातर औरतें आराम से कर सकती हैं, चाहे वो एडिटिंग का हो, म्यूज़िक कंपोजिंग का हो, यू नो, एक्टिंग के अलावा और हज़ार काम होते हैं, डायरेक्शन का हो, वो स्टोरीज़ कम आती हैं क्योंकि कम औरतें हैं इस फील्ड में। तो खैर, वो चीज़ बदल रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हौले हौले नहीं। लेकिन मेरा सवाल वो अभी मौजूद है, जहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि ग्लिटर ग्लैमर की दुनिया में औरतें, खास तौर पर ऑन स्क्रीन औरतें, अच्छा, एक्ट्रेसेस जो हैं, जिस पेशे में आप भी हैं, बेशक उस दौड़ में नहीं शामिल हैं, लेकिन वो आपकी साथ की औरतें हैं, जब उनको आपने पास से देखा तो उनसे आपको कोई शिकायत जो है वो हमें बताइए। कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं एक फ्रीडम की चैम्पियन हूँ, इन द सेंस कि मैं मानती हूँ कि हर इंसान को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने ढंग से जिए, एज लॉन्ग एज वो किसी और को परेशान न करे, किसी और को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। तो मैं कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं लेना चाहती और कहना चाहती कि ये औरतें ऐसे, चाहे अश्लील कपड़ों की बात हो या आइटम नंबर की बात हो या जिस तरह, क्योंकि मुझे लगता है इनमें से कई एक्ट्रेसेस हैं जो तड़पती हैं अच्छे काम के लिए, और इन लोगों को ज़्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी हैं, उन्हें भी उसी पॉन्ड में आफ्टर ऑल फिल्म अपनी रिलीज़ करनी है, बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ होड़ में हैं तो उन्हीं के साथ रिलीज़ करनी होती है, तो वो भी ज़्यादा मार्केटेबल और कमर्शियल एक्ट्रेसेस प्रेफर करते हैं। तो वो एक अलग दुनिया है, एक अलग ज़िंदगी है, और वो भी एक ज़िंदगी है और उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, या उसको बुरा या अच्छा इस तरह की बात नहीं है। अपने ढंग से मुझे ज़िंदगी जीनी है और वो जीने की मुझे फ्रीडम है। अभी भी वही सवाल कई बार लोग पूछते हैं कि आप कमर्शियल फिल्में क्यों नहीं करती हैं, स्मिता पाटिल ने किया, शबाना आज़मी ने किया, तो उसमें ऐसी क्या बुराई है? वो अच्छाई बुराई की बात नहीं है, अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात है। जैसे कई लोग कहते हैं, तुम कुछ काम पैसे के लिए करो, फिर उसको अच्छे काम में लगाओ, तो जो लोग ऐसा बैलेंस कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे से होता नहीं है, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग दोनों एक ही जगह जाता है, गलत रास्ता हो चाहे सही रास्ता हो, पर वो साथ साथ चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको टुकड़ों में बांट के कह सकती हूँ कि ये मैं सिर्फ पैसे या शोहरत के लिए करूँगी और ये मैं करूँगी अपने मन के लिए या फॉर द लेबर ऑफ लव। नंदिता जी, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे बातचीत के इस अगले हिस्से में कि ये सब कुछ करते हुए, एक तो होता है कि आपने ऐसी एक तबीयत ही बना ली कि कुछ समय आप काम करेंगी, कुछ समय आप इन इश्यूज़ पर बात करेंगी, और ये भी एक तरह का एंटरप्राइज जैसा बनकर रह जाता है। तो क्या ये आपके लिए भी एंटरप्राइज बन गया है? इस पर भी बात करेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं नंदिता दास के साथ। कभी कभी पेसिमिस्टिक ख्याल आता है, और ख़ास तौर से अगर आप टीवी देख रहे हो या अखबार पढ़ रहे हो, क्योंकि इतनी सारी बुरी खबरें होती हैं और इतने ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि लगता है कि मैं जाके 700 लड़कियों के साथ एक कॉलेज में जाके अगर बात कर भी लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं जानी मानी एक्टर डायरेक्टर नंदिता दास। नंदिता जी, हमें बताइए कि जब आप जैसे MSW का जो आपका दौर है, उस वक्त जब आप समाज को और उसमें मौजूद पेचीदगियों को देख रही होती हैं, तब आपका एक तरह का बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश एक रिएक्शन होता है। फिर धीरे 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 एक तरह की कंडीशनिंग आपकी होती जाती है, और विरोध ही आपका बाजार भी बनता जाता है। मतलब ये बात थोड़ी सी तीखी लग सकती है, लेकिन कई बार विरोध का भी एक बाज़ार है, जिसको वो औरतें जो एक ख़ास तरह के वर्ग से आती हैं, अब वो उसका ताप नहीं महसूस करती, बल्कि अब उसे एक कारोबार की तरह करती हैं। आपका क्या अनुभव है? देखिए, मैं ब्रॉडली कहूँ तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, यानी आशावादी हूँ, सिनिकल नहीं हूँ।
हर चीज में कुछ, जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन, अभी भी हम सोचते हैं भाई डॉक्टर्स तो चाहिए हमें, इस समाज में हम लोग बीमार पड़ते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हों तो कितना अच्छा हो। उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसको इतना बस बिल्कुल एक बिजनेस की तरह करते हैं, बहुत गलत काम भी करते हैं, और कई डॉक्टर्स हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। तो इसी तरह से हर प्रोफेशन में आपको दो तरह के लोग ज़रूर मिलेंगे। एनजीओस को ख़ास तौर से काफ़ी बदनामी इसलिए मिली है क्योंकि कुछ ऐसे एनजीओस हैं जिन्होंने बिल्कुल अपनी दुकान खोल रखी है और बस चिल्लाना या इधर उधर पहुंच जाना, और लोग कहते हैं बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, फ्लाइट्स में जाते हैं, 5-स्टार होटल्स में इनके प्रोग्राम्स होते हैं वगैरह, उस तरह के भी कुछ एनजीओस हैं। पर ऐसे भी कई संस्थाएँ हैं और कई लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो चुपचाप बिना किसी मीडिया अटेंशन या किसी के भी अटेंशन और अवार्ड्स और इस सब तामझाम के बिना भी चुपचाप अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों को बहुत डीपली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कई औरतें हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एज ए सिविल सोसाइटी हम सिनिकल ना हों, उनके साथ अपना भी जोश डालें। और ऑफ कोर्स MSW में मैं 18-19-20 की थी, और उस उम्र में जो एक जोश होता है दुनिया को बदल देने का, एक नुक्कड़ नाटक करते थे, लगता था बस अब तो डाउरी डेथ कभी होगी नहीं इसके बाद, क्योंकि हमने नाटक कर लिया है कम से कम उस इलाके में। तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स इंसान रियलिस्टिक होता जाता है क्योंकि आपको और सच्चाइयों की समझ आने लगती है, चीज़ें इतनी पेचीदा हैं वो भी थोड़ा बहुत समझ आने लगता है, पॉलिटिक्स और मीडिया हाउसेस और सबके जो नेक्सस वगैरह हैं, मतलब जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सभी समझ आने लगती हैं। और ये जो समझ आने लगती है, अब मैं यहाँ पर पूछूंगा, एक आदमी हो सकता है कि इन सब चीज़ों को समझते हुए अपने ही इन एफर्ट्स की फ्यूटिलिटी को सेंस करते हुए उससे बाहर चला जाए, और दूसरा आदमी उसी के साथ तालमेल बिठाकर उसके लाभ अपने लिए अर्जित करने लगे। ये दोनों ही आपके सामने चॉइसेस होते हैं। एक तीसरा चॉइस भी है। हाँ, क्या है? कि आप समझते हैं कि हाँ फ्यूटिलिटी तो मैं नहीं कहूँगी, पर ये इतना छोटा बूंद है, करने का क्या फ़ायदा। और ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं उठती सुबह और ऐसा ख्याल नहीं आता है, कभी कभी पेसिमिस्टिक ख्याल आता है, और ख़ास तौर से अगर आप टीवी देख रहे हो या अखबार पढ़ रहे हो, क्योंकि इतनी सारी बुरी खबरें होती हैं और इतने ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि लगता है कि मैं जाके 700 लड़कियों के साथ एक कॉलेज में जाके अगर बात कर भी लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन एक तो है कि मैंने ऑलमोस्ट अब टीवी देखना बंद कर दिया है, बहुत कम मैं पढ़ती भी हूँ अखबार वगैरह, बस बेसिक जो मोटी मोटी खबरें होती हैं वो तो वैसे भी कोई ना कोई बता ही देता है या आपको पढ़ने में मिली जाती हैं, उसके अलावा मैं नहीं पढ़ती क्योंकि आपको मायूस बना देते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि अब तो दुनिया में कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो ना मैं टीवी देखती नहीं है, आप अखबार पढ़ती नहीं है, फिर मैं इग्नोरेंट, फिर आप क्या करती हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डेली न्यूज़पेपर के अलावा किताबें पढ़ती होंगी, मेरा ख्याल है। किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन बहुत, वो भी अब बहुत कम हो गया। वो तो खैर इसलिए क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी है 3 साल का, और दूसरे इतने सारे मैंने काम ले लिए हैं कि समय कम मिलता है, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी इनडेप्थ जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। या किसी मैगज़ीन में अगर बहुत एक इनडेप्थ आर्टिकल है, या किसी, आजकल तो नेट पर इतनी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो सिर्फ न्यूज़ व्यूज़ और जो सबको सेंसेशनल करके, जो जिस तरह की डिबेट्स आजकल टीवी में चलने लगी हैं कि भाई सब चिल्ला चिल्ला के बस चीख रहे हैं और कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं, पर किस तरह से प्रॉब्लम और ताज़ा रहे उसे ही शायद बनाने की कोशिश में। तो भी आप लेकिन कह रही थी कि वो तीसरी बात जो जिस तीसरे रास्ते, हाँ नहीं, आपने कहा कि या तो आप मायूस होकर उस काम को ही छोड़ दें, या उसको देखें कि कैसे लाभ उठाया जाए उस चीज़ से। मैं लाभ वर्ड नहीं करूँगी, तीसरा मैं ये समझती हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है उतना आप करिए, और जो भी आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने की एक्चुअली आप में क्षमता है। लाइक हर रोज जब मैं इंस्पायर होती हूँ किसी बढ़िया इंसान से मिलकर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं काफ़ी कम करती हूँ, कि कितना ज़्यादा, ये कैसे समय निकाल लेते हैं इतनी चीज़ों के लिए। तो मैं तो हमेशा, मतलब हर दिन जो आता है मुझे लगता है बहुत कुछ करने को है, और उसी मोटिवेशन के साथ कोशिश करती हूँ कि मैं इंस्पायर्ड रहूँ। और आखिर में नंदिता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो डार्क इज़ ब्यूटीफुल जो कैंपेन है, जिसमें शायद वीमेन ऑफ वर्थ जो संस्था है उसके साथ, क्योंकि देखिए हमारे समाज में तमाम बदलावों के बावजूद एक ये एक मान्यता लगातार घर किए हुए है, और वो ज़्यादा मजबूत होती जा रही है कि अगर आप गोरे हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये जो ज़्यादा सुंदर हैं, इसको आप कैसे
इस चूंकि इस कैंपेन की आप ब्रांड एम्बेसडर भी कही जाती हैं, तो लेकिन इस बात को हम समझना चाहते हैं क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्सिटी को या इसी कमज़ोरी को का फ़ायदा उठाते हुए तमाम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं और कंपनियां हैं वो अपना मुनाफा बटोर रही हैं। जी बहुत बढ़ गई हैं बल्कि इस तरह की कंपनीज। अगेन मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को दूंगी कि बचपन से मुझे कभी ये कॉम्प्लेक्स उन्होंने नहीं डाला कि अच्छा तुम काली हो सांवली हो कि धूप में मत जाओ। और मैं देखती हूँ छोटी छोटी बच्चियों को भी इतना बोला जाता है, उनको बाहर धूप में खेलने नहीं दिया जाता कि भाई वो कहीं सांवले ना हो जाए। और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से कई लड़कियां बुझबुझ छोटे बचपन से बुझबुझ सी जाती हैं, कॉन्फिडेंस अपना खो देती हैं, उनको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। तो पर ऑफकोर्स बड़े होते हुए मैं हज़ार लोगों से मैंने भी सुना, कभी कोई अंकल कई बार परिवार में ही लोग होते थे, फिर फिल्मों में आने के बाद कि अच्छा तुम अगर एक स्लम ड्वेलर का या गांव की औरत का रोल करिए तब तो ठीक है, पर अगर आप कोई अर्बन अपर मिडिल क्लास कोई एडुकेटेड लड़की का अगर आप रोल कर रहे हैं तो डायरेक्टर या मेकअप मैन या कोई ना कोई आके बोलता था मुझे मालूम है आपको मेकअप ज़्यादा लगाना अच्छा नहीं लगता लेकिन थोड़ा सा क्या आप स्किन को लाइटन कर सकती है क्योंकि ये एक पढ़े लिखे का रोल है। अच्छा सारे पढ़े लिखे मतलब गोरे हैं तो आप इस स्टीरियोटाइप को मतलब और वो करना चाहते हैं तो आपने तो गलत कास्टिंग की, फिर आपको किसी गोरी एक्ट्रेस को लेना चाहिए था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं तो नहीं लगाऊंगी उस तरह का वाइट मेकअप। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक इश्यू मेरी ज़िंदगी में हमेशा था, जब मैं कभी कॉलेजेस में भी जाती थी किसी और इशू पे भी बात करती थी तो कोई ना कोई लड़की ज़रूर अपना हाथ खड़ा करके बोलती थी मैम आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है डिस्पाइट यू बीइंग डार्क, मतलब आप सांवले होने के बावजूद आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं। तो मुझे लगता था कि ये कहीं एक बहुत डीप एक धक्का पहुंचाती है ये एक छोटी सी चीज़ जिसको हम खुलेआम इतनी बात नहीं करते। तो जब विमेन ऑफ वर्थ के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगी, पर मैं तो कई चीज़ों को ऐसे सपोर्ट करती हूँ और मैं क्योंकि सोशल मीडिया में नहीं हूँ, ये फेसबुक ट्विटर वगैरह की दुनिया से थोड़ी दूर हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि ये कितना ज़्यादा फैल गया था और इसमें कई लोगों ने कई ईमेल्स मेरे पास आने लगे यंग लड़कियों के अपनी कहानियाँ बताते हुए, कई लड़कियाँ जो सुसाइड कमिट करना चाहती थी क्योंकि वो अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पा रही हैं क्योंकि वो गोरा नहीं हो पा रही हैं इसके बावजूद कि वो कई प्रोडक्ट्स लगा रही हैं। तो इस सब से लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इट्स हाई टाइम कि हम इस पे बात करें, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से पब्लिक डोमेन में लाएं और इस पे खुली तौर पे चर्चा करें क्योंकि हर प्रोडक्ट आपको कह रहा है कि अगर आप गोरे नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आप खूबसूरत नहीं हैं, आपको अच्छा पति नहीं मिलेगा, आपको अच्छा लवर नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल बेकार हैं, आपके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे देश में जहाँ 90% लोग सांवले हैं काले हैं जो भी उनका रंग है, उनको इस तरह से कम दिखाना या उनको छोटा महसूस फील कराना ये मेरे ख्याल से तो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन अगेन हम कोई नहीं होते ऐड वालों को या इन एक्टर्स को जो इनको एंडोर्स करते हैं कि भैया आप ऐसा मत करिए, ये उनका कॉन्शियंस है, पैसे बहुत मिलते हैं मैं जरूर मानती हूँ पर पैसे कमाने के और आई एम श्योर कई और तरीके भी हो सकते हैं पर ये उनकी चॉइस है। वैसे आपको क्या लगता है, एक तो ये हुआ कि प्रिडोमिनेंटली आपका एक कॉलोनियल एक पास्ट की वजह से आपका एक माइंड सेट है, इसके अलावा और क्या आपको मैनिफेस्टेशंस इसके दिखाई देते हैं? कॉलोनियल है लेकिन उससे भी पहले अगर आप स्क्रिप्चर्स वगैरह में पढ़ें गोरे का कहीं ना कहीं एक महत्व दिया गया है, ये जाति के साथ भी हो सकता है, जो लोग खासतौर से बाहर धूप में काम करते हैं और वो लोग ज़्यादातर निम्न जाति के लोग होते हैं या उन्हें माना जाता है, तो ये जातिवाद जो हमारे समाज में एक तरह का स्ट्रक्चर है हो सकता है उसकी वजह से भी हो। कई लोग कहते हैं आर्यंस जो आए थे वो एक वाइट रेस से आए थे और वो ज़्यादातर अपर क्लास अपर कास्ट के लोग हो गए थे, तो इसके कई रीजंस हैं लेकिन हम हिस्ट्री को कितना कुरेदेंगे कितना पीछे जाएंगे इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। आज हम 21st सेंचुरी में हैं, हमें इतना सारा एक्सपोजर है, औरतें चांद पे जा रही हैं उसके अलावा दुनिया भर के काम कर रही हैं और फिर भी उन्हें वही एक थोपना या उन पर वो ज़बरदस्ती ऑलमोस्ट करना और इस तरह की एक सोच डाल देना कि भाई अगर आप गोरे नहीं हैं तो आप खूबसूरत नहीं हैं और हम मर्दों के लायक नहीं हैं, ये मेरे ख्याल से समय आ गया है कि इसका बदलाव हो। हाँ तो ये डार्क इज़ ब्यूटीफुल क्या कहता है आखिर में, मतलब सब चीज़ों को देखने के बाद क्या डार्क इज़ ब्यूटीफुल कहता है कि भाई अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कैंपेन करती तो मैं डार्क भी ब्यूटीफुल है ऐसा कुछ नहीं, आप जो भी हैं आप गोरे हैं तो भी ब्यूटीफुल हैं डार्क हैं तो भी, मतलब एक तो हम अपने ऊपरी ब्यूटी को आजकल इतना ज़्यादा उस पर इतने ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि वही चीज़ एज इफ आपको डिफ़ाइन करती है, आप अपने काम से डिफ़ाइन होते हैं आप अपनी सोच से डिफ़ाइन होते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए,
आप जिस आप नेशनैलिटी हो, चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, ये सब तो गिवन आइडेंटिटीज़ है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। मैं लड़की हूँ या एक हिंदू परिवार में पैदा हुई हूँ या इस देश में पैदा हुई हूँ, इन सब में तो मेरा कोई हाथ था ही नहीं है। तो भाई इत्तेफाक की बात है, मैं कहीं और भी पैदा हो सकती थी। और मुझे हमेशा ये बताया गया कि अपने दोस्त जो तुम चुनो, जिन लोगों जो लोग तुम्हें अच्छे लगें, वो उनके एक्चुअल उनके स्वभाव उनके चरित्र से उनको चूज़ करना। ये कभी ना सोचना कि वो किस रिलीजन के हैं, किस जात के हैं, किस रंग के हैं, किस देश के हैं। तो उस खुलेपन में, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ, मुझे लगता है कि वो खुलापन से मुझे कितना कुछ मिला है। और जब मैं वो खुलापन कम होते देखती हूँ अपने ही देश में, जिस देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी को हमेशा कहते हैं कि हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को जब खोते हुए देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसके ये आइडेंटिटीज़ ना बनाकर आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस पे, आप क्या काम करते हैं, कितना एंगेज्ड हैं, इन सब चीज़ों से अगर आपने आपको डिफाइन करें तो आपका कॉन्फिडेंस इन चीज़ों की वजह से आता है, या आपका मोटिवेशन या आपका खुद का इंस्पिरेशन इन चीज़ों की वजह से आता है, न कि आपके कलर ऑफ योर स्किन या मेरा नोज़ ऐसा है या मेरे पैर ऐसे हैं या इन चीज़ों को जो आजकल इतना ज़्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग उस तरह की खूबसूरती, उस एक जो डब्बा बना दिया गया है ब्यूटी का, एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल बना दिया है, उस तरह के नहीं है। तो क्या उन सबको अपने आप को तोड़ मरोड़ के वैसा बना देना चाहिए, या ईच पर्सन कैन फील दैट दे आर ब्यूटीफुल इन द वे दे आर। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थी जानी मानी एक्टर डायरेक्टर नंदिता दास। कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।